नमस्कार, विभिन्न समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। पाकिस्तान पर फिर बरसे नरेंद्र मोदी, आतंकवाद पर जताई चिंता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की ओर स्पष्ट संकेत देते हुए गुरुवार को आतंकवाद के बढ़ते निर्यात पर गहरी चिंता जताई और कहा कि यह क्षेत्र की सुरक्षा पर मंडराने वाला एक साझा खतरा है। उन्होंने आतंकवाद से निपटने के लिए आसियान के सदस्य देशों से समन्वित प्रतिक्रिया देने की अपील की। लाओस में 14वें आसियान भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि घृणा की विचारधारा के कारण बढ़ता कट्टरपंथ और अत्यधिक हिंसा का प्रसार सुरक्षा से जुड़े कुछ अन्य खतरे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ही जीतेंगे। पूर्व क्रिकेटर और भाजपा के पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू ने गुरुवार को अपनी नई पार्टी आवाज पंजाब की घोषणा करते हुए कहा कि सर्वस्व न्यौछावर करने वाले ही विधानसभा चुनाव जीतेंगे। भाजपा और अकाली दल पर निशाना साधते हुए सिद्धू ने कहा कि मुझे प्रचार में इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया, स्वार्थी लोगों से पंजाब का भला नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में रहे राहुल गांधी, हमारी दोस्ती हो जाएगी, अखिलेश यादव ने कहा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को अच्छा इंसान और अच्छा लड़का बताते हुए गुरुवार को कहा कि राहुल को यूपी में बार बार आना और रहना चाहिए, वे ज्यादा आएंगे तो उनकी उनसे दोस्ती हो जाएगी। अखिलेश ने राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बातचीत में राहुल की किसान यात्रा के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि राहुल जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। कुलगांव में पुलिस कर्मियों की राइफलें लेकर आतंकवादी फरार। कश्मीर के कुलगांव जिले में आतंकवादियों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक नेता के घर में सुरक्षा चौकी पर हमला कर दिया और पुलिस कर्मियों की राइफलें लेकर फरार हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि बुधवार देर रात कुलगांव के बेगम में नेका के प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल राशिद खांडे के आवासीय परिसर में उग्रवादी घुस आए और उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों की 4 सर्विस राइफलें लेकर चंपत हो गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ओबामा से बेहतर नेता हैं व्लादिमीर पुतिन। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपने देश के राष्ट्रपति बराक ओबामा से बेहतर नेता बताया है। ट्रंप ने न्यूयॉर्क टेलीविजन फोरम के कार्यक्रम में पुतिन के इस सुझाव की भी सराहना की कि अमेरिका तथा रूस को इस्लामिक स्टेट को पराजित करने के लिए मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। ट्रंप का कहना है कि राष्ट्रपति की हैसियत से ओबामा तथा विदेश मंत्री के रूप में हिलरी क्लिंटन ने अपनी नीतियों से अमेरिकी सेना के जनरलों के हाथ बांध दिए थे। अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।